हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल टीच टिप्स विद आशीष चैनल्स में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही मज़ेदार की ऐप, जिसमें आप ऐप को डाउनलोड करते ही आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपना पिक वगैरह सब बैकग्राउंड में अपना पिक वगैरह लगा सकते हो, जिससे आपका इंस्टाग्राम और भी अच्छा दिखेगा। तो गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अभी देख रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाल वाले सब्सक्राइब बटन को काला कर दो, और छोटा सा बेल आइकन को क्लिक करके आल बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। अगर आपका इंस्टाग्राम हो तो आप उसे अनइंस्टॉल मार दीजिए। जैसे मैं इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड मेरा पे यहाँ पे इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं है, मैंने अनइंस्टॉल मार दिया। क्योंकि फ्रेंड अगर इसको यूज़ करोगे तो आपको अपने बैकग्राउंड पे अपना होम स्क्रीन पे अपना पिक नहीं लगा सकते हो, जिसके कारण आपको एक मोड वर्जन यूज़ करना होगा, जिसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको वहाँ से डाउनलोड नहीं होता तो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है और यहाँ से आपको सर्च कर देना है। मेरा चैनल का नाम है फ्रेंड ऑक्स टैग, जो फ्रेंड पहले लिस्ट पर आ जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ से एक इस ऐप को देखने को मिल जाएगा, ऐप जो ड्राइवर गूगल ड्राइवर से है, जो मैंने दे दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे चले जाओगे और वहाँ से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एक अपने अकाउंट को मतलब जोड़ के। जैसे मैं यहाँ इस अकाउंट को जोड़ लेता हूँ फ्रेंड, और आपको डाउनलोड करके भी दिखा देगा। देखो फ्रेंड, ओपनिंग ड्राइवर, और यहाँ से मेरा प्लीज़ वेट, थोड़ा वेट करने के बाद फ्रेंड ये जो ऐप है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो फ्रेंड, थोड़ी सी वेट कर लो। तो वेट करने के बाद फ्रेंड आपको ऐसे डायरेक्टली ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो मेरा डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया फ्रेंड। और ये मैं ऐप को डाउनलोड कर लिया हूँ, तो फ्रेंड पहले इसको मैं टेलीग्राम को हटा देता हूँ, और फिर से जो मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया है आपको फिर से ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने ऐप को अभी रिफ्रेश कर लेते हैं फ्रेंड। तो गाइस देख लो फ्रेंड, मैंने इस वाले ऐप को डाउनलोड कर चुका है, जिसका नाम है GooGB इंस्टा प्लस ट्रांसपेरेंट। सो इसको डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड आपको इंस्टॉल मारना है। डायरेक्टली इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपको एक मतलब टिप देता हूँ किस कैसे सेट करना है। तो फ्रेंड मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप अपने फ़ोटोज़ को सेट करते हो तो आपका जो भी होम स्क्रीन पे पिक वगैरह होंगे तभी जाके ये इंस्टाग्राम का मतलब होम स्क्रीन पे या वॉल पेपर सेट होगा आपका, या बैकग्राउंड पे सेट होगा आपका पिक। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा मैं बता देता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड MI के फ़ोन में पहले तो चेक करता है कि ये जो इंस्टाग्राम ऐप है या कोई सा भी ऐप पे वायरस वाला तो नहीं है। तो यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो गया है, तो डायरेक्टली आपको ओपन नहीं करना है फ्रेंड, आपको बैक कर देना है। और आपको बैक करने के बाद फ्रेंड जो होम स्क्रीन पे वॉल पेपर है उसको पहले सेट करना है। तो जै आपको मैं सबसे पहले गैलरी पे जा देता हूँ और एक फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ। तो मैं एक फ़ोटोज़ ले लेता हूँ, जो फ्रेंड कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेते हैं, पर जैसे गाइस ये मैं पिक लेने जा रहा हूँ। और यहाँ से सेट एज वॉलपेपर, और उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे करना है फ्रेंड, ना कि लॉक स्क्रीन पे, आपको होम स्क्रीन पे करना होगा। और जैसे सेट है होम स्क्रीन पे कर देंगे फ्रेंड, आपका ये जो वॉलपेपर होम स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ऐप्स को मतलब ओपन करना है, इंस्टाग्राम जो GB ट्रांसलेट ऐप है उसको यहाँ से ओपन करते हैं फ्रेंड। सो गाइस, GB ट्रांसलेट ऐप को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद फ्रेंड अगर आप लॉग इन विथ इंस्टाग्राम फेसबुक से हो तो आप फेसबुक से डाल के डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे लॉग इन हो सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल मैं अभी लॉग इन होकर दिखा देता हूँ। तो आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने बैकग्राउंड के अंदर अपना पिक यहाँ से देख लो फ्रेंड शो हो रहा है, और ये होगा अंदर भी होगा कि नहीं, मतलब प्रोफाइल के अंदर होगा कि नहीं, ये भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो लॉग इन में ये प्रॉब्लम होता है कि फ्रेंड आपको जल्दी से फेसबुक से लॉग इन नहीं होता। तो कोई नहीं फ्रेंड, आप 2-3 बार लॉग इन करते रहो, लॉग इन हो जाएगा, इसमें कोई गल नहीं है कि आपको लॉगिन नहीं होगा। थोड़ा आप मतलब लॉगिन कर सकते हो, तो मैं लॉगिन कर लेता हूं फ्रेंड। देखो फ्रेंड, ये जो मेरा लोडिंग स्टार्ट हो गया है, तो फिर से ट्राई, अगर ये रोड का इशू आ रहा है तो आप बार बार इससे ही ट्राई करते रहो, जैसे मैं अभी ट्राई करते रहा हूं, या डायरेक्टली आप साइनिंग पर क्लिक करके डायरेक्ट साइनिंग हो सकते हो। तो मैं ऐसे ही करूँगा फ्रेंड। तो मैं तो पेज वो इस मतलब है नहीं, तो मैं यहाँ से अपना अकाउंट डाल देता हूँ। सो गाइस, यहाँ से मेरा इंस्टाग्राम देख लो फ्रेंड, होम चेंज हो चुका है, पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ में दिखा रहा है मेरा पिक।
बहुत ही मस्त दिख रहा है फ्रेंड। जैसे मैसेज पे क्लिक करते हैं तो मैसेज वाले इनबॉक्स में भी ये सब मेरा पिक दिखा रहा है, होम ग्राउंड मतलब होम स्क्रीन पे मेरा पिक दिखा रहा है। तो फ्रेंड अगर आपको मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। और गाइस मैं बता रहा था कि प्रोफाइल में दिखाता है कि नहीं, तो देख लो फ्रेंड प्रोफाइल में भी मेरा पिक वगैरह दिखा रहा है, बट आपको होम स्क्रीन में जो फोटोज़ आप सेट करोगे वही फोटो इस पर भी शो होगा। तो बहुत ही आसान से ट्रिक है फ्रेंड। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में कर देना, कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके आप ये फ्यूचर जरूर दिखाना कि भाई देख मैंने कैसे इंस्टाग्राम का होम स्क्रीन चेंज कर लिया और अपना फोटो कैसे लगा लिया। तो प्लीज़ गाइस शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक करने से ये होता है फ्रेंड थोड़ा दिल में मोटिवेशन मिलता है, जिसमें वीडियो बनाने में और ही मजा आता है। अगर आपको कोई से भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना गाइस। तो चलो तो गाइस अगले नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।